हेलो एवरीवन, चैप्टर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, हमने इस चैप्टर को थोड़ा तो समझा है, एक क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने ये समझा है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है और हमें क्या अकाउंटिंग एंट्री करनी होती है। ठीक है, हमने चार क्वेश्चन सॉल्व किए और उन सारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन की ग्रांट डेट थी और जो एक्सरसाइज पीरियड एंड हो रहा था वो सब कुछ एक ही फाइनेंशियल ईयर में था। हमने उसके चार क्वेश्चन कंप्लीट किए बड़ी अच्छी तरीके से। ठीक, आज हम सेकंड सिचुएशन को समझेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड सिचुएशन क्या, कि जो ऑप्शन की जो ग्रांट डेट है उसी साल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना है, वेस्टिंग पीरियड उसी साल ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे जाके ईयर में कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। हो सकता है वेस्टिंग पीरियड 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आगे जाके एक्सरसाइज पीरियड किसी और फाइनेंशियल ईयर में एंड होगा, तब क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है और हमें क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, वो सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ और उसके क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही साल में सब कुछ एंड हो जाए तो एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंडिचर को उसी साल हम P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिस साल ऑप्शन दिया है और जिस साल ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस को अलग अलग सालों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब चार्ज करना पड़ेगा। हर साल कुछ ना कुछ खर्चा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस में डेबिट होगा और P&L में ट्रांसफ़र होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है अगर आप आराम से समझोगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगी सिचुएशन। ठीक है, समझना ध्यान से। ठीक है, 5th और 6th दो ही क्वेश्चन हैं मगर दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपने इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ लिया तो पहले जो चार क्वेश्चन किए थे वो तो वैसे भी बहुत आसान थे। 5th और 6th ये दो टाइप के क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो ये आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो समझना, क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमें एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस को बहुत सारे ईयर्स में जाके चार्ज करना होता है। समझना, एक्स लिमिटेड ग्रांटेड 500 स्टॉक ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉई ऑन 1st April 2020 एट ₹50 पर शेयर। The vesting period is 2.5 years and maximum exercise period is 1 year. Market price on that date is ₹140 per share. All the options were exercised on 30th June 2023. Past journal entries giving suitable narrations if the necessary, if the face value of equity share is ₹10 per share. Ab आप ध्यान से समझना, अभी लिखना मत, मैं आपको पूरा बता दूंगा, मैं जब कहूँ तब आप लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, देखो इसमें जो 1st अप्रैल 2020 की जो डेट है वो तो है ऑप्शन की ग्रांट डेट, ऑप्शन ग्रांट डेट। ठीक, अब हमने 2.5 साल का 2.5 year का वेस्टिंग पीरियड दिया है, इसका मतलब है 1st अप्रैल 2020 से वो वेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हुआ और 30th September 2022 पे जाके एंड होगा। इट इज़ वेस्टिंग पीरियड, और वेस्टिंग पीरियड कब एंड होगा, मतलब इस टाइम पे तो एम्प्लॉय अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते। 30th September 2022 के बाद में वो शेयर को परचेज, मतलब ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, और इसके लिए एक्सरसाइज पीरियड दिया है 1 year का, मतलब उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है 30th September 2022 के बाद से 30th September 2023 तक। इट इज़ एक्सरसाइज पीरियड। अब यहाँ पर कितने ईयर इन्वॉल्व हो गए पता है, यहाँ पर 2020-21 इन्वॉल्व हो गया, 21-22 हो गया, 22-23 हो गया, 23-24 हो गया, 4 साल इसमें इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, और सारे के सारे ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिए कब, 30th जून 2023 को, मतलब 30 जून
30 जून 2023 को सारे के सारे ऑप्शन को एम्प्लॉई ने एक्सरसाइज कर लिया। तो यहाँ पर 4 साल इन्वॉल्व हो गए, 20, 21, 21, 22, 22, 23 और 23 चॉइस। हमें 4 सालों में एंट्रियाँ करनी है, मतलब 2021 की, 21-22 की, 22-23 की, 23-24 की, 4 सालों की जनरल एंट्री। नहीं तो पहले तो 1 साल की एंट्री, वो भी 2 एंट्री करनी होती और काम खत्म। अब 4 सालों में जाके हमें सारी जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं समझना ध्यान में, और 4 सालों में क्यों है ना ये भी समझाता हूँ। ये जो हम जैसे हमने पहले 4 क्वेश्चन किए उसमें हम एक एक्सपेंडिचर डेबिट करते हैं, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 140 रुपीज़ मार्केट प्राइस है, हम एम्प्लॉय को शेयर दे रहे हैं केवल 50 रुपीज़ में। इसका मतलब 90 रुपीज़ पर शेयर इज एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। टोटल 500 शेयर का ऑप्शन दिया है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 90, 45,000 रुपीज़ एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस के डेबिट होंगे। मगर ये केवल 1 साल का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये एक्सपेंडिचर होगा 2.5 साल का। 2.5 साल कौन से वेस्टिंग पीरियड। ये जो एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस का खर्चा होता है इसको वेस्टिंग पीरियड में चार्ज करना होता है। कौन से टाइम पीरियड में, वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होता है और 30 सितंबर 2022 पे जाके एंड हो जाता है। तो इस 45,000 रुपये को इन 2.5 सालों में चार्ज करना है, ये केवल 1 साल में नहीं, वेस्टिंग पीरियड में अलाउ। पहले तो क्या था, वेस्टिंग पीरियड उसी फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म हो जाता था, इसीलिए हम पूरा का पूरा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 1 ही साल में चार्ज कर देते। मगर यहाँ वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल का है, तो ये जो 45,000 रुपये का एक्सपेंडिचर है ये 2.5 सालों में चार्ज होगा, 2.5 ईयर में चार्ज होगा। मतलब 2.5 ईयर का मतलब 45,000 में हम 2.5 का डिवाइड करेंगे तो 1 साल में 18,000 रुपये। तो 2020-21 में 18,000, 2021-22 में भी 18,000, मगर 2022-23 में हम केवल 9,000 रुपये चार्ज करेंगे, क्योंकि 2022-23 में वेस्टिंग पीरियड के केवल 6 मंथ ही आते हैं। तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंडिचर 2.5 सालों में जाके डेबिट होगा। एक्सपेंडिचर हम P&L में चार्ज करेंगे 2.5 साल के P&L में, मतलब 2020-21 में भी 18,000 चार्ज करेंगे, 2021-22 में भी करेंगे, 2022-23 में भी करेंगे। 2020-21 में 18,000, 2021-22 में 18,000 और 2022-23 में 9,000 रुपये चार्ज करेंगे। और ये जो एक्सपेंडिचर डेबिट करेंगे उससे हम एक रिजर्व बनाएंगे जिसका नाम होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है, फिर जब वो ऑप्शन एम्प्लॉय एक्सरसाइज करते हैं तो हम उस रिजर्व अकाउंट को वहां पर जाके डेबिट कर देते हैं। मतलब एक तरह से हमने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस का एक प्रोविजन बना दिया, और वो प्रोविजन डेबिट हो जाता है जब एम्प्लॉय ऑप्शन को एक्सरसाइज करते। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आराम से आप समझना, वर्किंग नोट भी बनाएंगे। अब आप ये सब कुछ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सीधा जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करना, फिर मैं इसका वर्किंग नोट भी आपको सबसे लास्ट में लिखा दूंगा, ठीक है। तो आप जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे 2020-21 की, ठीक है। आप लोग लिखिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, यहाँ लिख दो ईयर 2020-21। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले 2020-21 में, अच्छा यहाँ पर केवल एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस के इस साल चार्ज करने, इस साल कितने चार्ज करने, 18,000, ठीक है। ऑप्शन तो अभी एक्सरसाइज नहीं हुआ, ऑप्शन एक्सरसाइज होने की एंट्री तो कब आएगी, 2023-24 में आएगी। इस साल तो हमें केवल इस साल का खर्चा चार्ज करना है। एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस टोटल 45,000 रुपीज़ होगा, जिसमें से 2020-21 में हम 18,000 रुपये चार्ज करेंगे 1 साल का, फिर 2021-22 में भी 18,000 चार्ज करेंगे, 2022-23 में हमें 6 महीने का खर्चा मतलब 9,000 रुपये चार्ज करने, ठीक है। मतलब हम 45,000 रुपीज़ के एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस को ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड चार्ज करना होता है, ठीक। तो इस साल सीधे ईयर एंड पर एंट्री होगी 31 मार्च
2021 एंट्री होगी एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए 18,000 और एक रिजर्व अकाउंट मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रोविजन हमने क्रिएट किया है और उसका नाम होता है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 18,000। ये हमने एक अकाउंट क्रिएट किया है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा, ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। जैसे इस साल हमने 18,000 से अकाउंट में क्रेडिट किए हैं, फिर नेक्स्ट ईयर और 18,000 अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, फिर और नेक्स्ट ईयर 9,000, तो इस अकाउंट में क्रेडिट होते होते टोटल ये अकाउंट 45,000 का क्रिएट हो जाएगा। फिर जिस साल में एम्प्लॉई और जब एम्प्लॉई ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तब हम एंट्री क्या करते हैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वहाँ पर एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसिस की जगह एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट हो जाएगा। हमने एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसिस से ही ये अकाउंट क्रिएट किया, अब ये अकाउंट ऑप्शन एक्सरसाइज होने पर डेबिट हो जाएगा। कैसे, अभी हम सारी एंट्री करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं बिंग एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस amortized फॉर 2.5 ईयर और 31st March 2021 की एक और एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 18,000 बिंग एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट और ये हमारा 2020-21 का काम हो गया कंप्लीट। मतलब जनरल एंट्री हमने केवल 18,000 रुपीस इस साल में चार्ज किए हैं और एक अकाउंट क्रिएट किया है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। देखो एम्प्लॉईज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस तो डेबिट हुआ और P&L में ट्रांसफर हो गया, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये अकाउंट क्या हुआ क्रिएट हुआ है, ठीक है, जिसमें 18,000 हमने क्रेडिट किए। अब नेक्स्ट ईयर फिर से लिखते हैं जर्नल एंट्रीज 2021-22 जर्नल एंट्रीज 2021-22 डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स और डेट। फिर से इस ईयर के एंड में हम एंट्री करेंगे 31st March 2022 और ये एंट्री क्या होगी, फिर से P&L में वो एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस का हम अकाउंट डेबिट करेंगे 18,000 टू और हमने एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर दिया 18,000 बिंग एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस amortized फॉर 2.5 ईयर और इसको ट्रांसफर कर देते हैं P&L में P&L अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस इस साल हमने 18,000 और P&L में चार्ज कर दिए एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस के और ये जो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग था वो पहले लास्ट ईयर 18,000 हमने क्रेडिट किया, इस बार और 18,000 क्रेडिट किया तो ये हो गया टोटल 36,000 का, ठीक है। बिंग
एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट, चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट, ये हो गया 2021-22 की अकाउंटिंग कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट ईयर, फिर से लिखेंगे जर्नल एंट्रीज और ब्रैकेट में लिखते हैं 2022-23 डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। इस बार हम फिर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, मगर इस साल केवल 6 मंथ का, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड यहां पर जाके एंड होता है 30 सितंबर 2022 को, है ना। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे 31st, एंट्री तो ईयर एंड होने पर ही करनी है, 31st मार्च 2023, और ये एंट्री होगी एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस एक्सरसाइज पीरियड, मतलब जो ऑप्शन, वैसे एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट हो चुका है 30 सितंबर 2022 को, मगर सारे एम्प्लॉई ने जो ऑप्शन एक्सरसाइज किया है वो 30 जून 2023 मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में किया है, ठीक है। एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 9000 टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 9000 रुपये, बिंक एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस चार्ज टू एमोटाइज, यहाँ पर एमोटाइज करना था, एक्सपेंसेस एमोटाइज्ड इन 2.5 ईयर्स। अब एक और एंट्री हो जाएगी पी एंड एल में ट्रांसफर करने की, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 9000, बींग एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस एम चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट, नरेशन तो आप भी आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया 2022-23 की अकाउंटिंग तक का काम कंप्लीट। अब लास्ट ईयर है और हम यहाँ पर करेंगे जर्नल एंट्रीज, ब्रैकेट में 2023-24। हमने अभी तक एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस की पी एंड एल में 45,000 चार्ज कर लिए और एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, इसमें हमने 18,000 इस साल में क्रेडिट किए थे, फिर और क्रेडिट किए अगले साल 18,000, 18,000, 36 और 9,000 इस साल 45,000, ठीक है। अब इस साल में 30 जून को सारे जो भी थे ऑप्शन वो एम्प्लॉई ने एक्सरसाइज कर लिए, अब एंट्री को समझना। बैंक अकाउंट डेबिट, ये 30 जून 2023 को बैंक अकाउंट डेबिट कितने थे, टोटल ऑप्शन थे 500 शेयर्स के और 50 रुपीस की रेट पर, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 50 25,000। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, समझ गए, हम जो एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करते थे अब उसकी जगह हमने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस से ही एक अकाउंट बनाया है, वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अब हम यहाँ पर किसको डेबिट करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को डेबिट करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस को तो हमने 2.5 सालों में लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने क्रिएट भी किया और उसको पी एंड एल में ट्रांसफर भी कर दिया, और उसी से हमने ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रिएट किया है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस से ही। तो यहाँ पर ये हो गया 500 मल्टीप्लाई बाय 90, 45,000। तो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमने क्रेडिट किया था 3 बार,
टोटल मिलाकर 45,000 वो यहां जाके डेबिट हो गया और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी क्या हो गया, जीरो। समझ गए? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 मल्टीप्लाई बाय 10 5,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 मल्टीप्लाई बाय 130 65,000 बींग एम्प्लॉइज एक्सरसाइज्ड देयर स्टॉक ऑप्शन फॉर 500 शेयर्स एट द रेट रुपीज 50 पर शेयर। बस अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इस साल पीएनएल में कुछ भी ट्रांसफर होने वाला नहीं है, बस खत्म, करेक्ट। तो आप फटाफट से पहले यहां तक नोट कर लो, मैं आपको ईयर वाइज बताता हूं, उसके बाद में हम इसका वर्किंग नोट भी बनाएंगे। बस ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं मगर ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत वाले हैं। फिर आप देखिए नेक्स्ट ईयर 2021-22, फिर 2022-23 और फिर 2023-24 फिर बनाते हैं हम इसका वर्किंग नोट। ये जो हमने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस को एमोर्टाइज किया है 2.5 सालों में, उसका वर्किंग नोट हम बनाएंगे, करेक्ट। एमोर्टाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस टोटल एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाय 140 माइनस 50 मीन्स 90 इक्वल्स टू रुपीज 45,000। वेस्टिंग पीरियड इक्वल्स टू 2.5 ईयर, वेस्टिंग पीरियड्स में इसको चार्ज करना होता है, ठीक है। तो यहां पर आएगा एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस पर एनम 45,000
डिवाइडेड बाय 2.5 रुपीज़ 18,000। तो 2000 ईयर 2020-21 यहाँ पर लिख देते हैं पूरे 12 मंथ्स एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 18,000। फिर 2021-22 पूरे 12 मंथ्स मतलब पूरा एक साल 18,000 अगेन। देन 2022-23 यहाँ पर आ जाएगा 6 मंथ ये हो जाएगा 9,000 और ये टोटल हो जाएगा 45,000। करेक्ट, फटाफट से आप लोग लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इससे भारी है, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही पॉइंट है मगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा भारी है। ओके ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर था मगर नेक्स्ट क्वेश्चन में 4.5 ईयर 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, ठीक है ना, घबराना नहीं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जरूर है मगर दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है, समझना। क्वेश्चन नंबर 6, पी लिमिटेड ग्रांटेड 8,000 स्टॉक ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉइज ऑन 1st October 2020 एट ₹80 पर शेयर, ठीक। वैन द मार्केट प्राइस वॉज ₹170, द वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 ईयर, मतलब 1st April 2020 को तो हो गया ऑप्शन ग्रांट डेट, ठीक। उसके बाद में इसके बाद 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल कब ख़त्म होते हैं, 4.5 ईयर, तो वो एंड होंगे 30th September 2024 को, ठीक। द वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 ईयर, 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन 1st October 2022। वेस्टिंग पीरियड में कुछ कंडीशंस होती है जो सेटिस्फाइड करनी होती है, हो सकता है कुछ ऑप्शन पर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी इसीलिए वो ऑप्शन लैप्स हो गया या कुछ और रीज़न हो सकता है, तो बीच में ही 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन थे वो लैप्स हो गए, कब, 1st October 2022 को। 3,000 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज ऑन 30th September 2025 एंड 1,000 वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। इसमें एक्सरसाइज पीरियड कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 3,000 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज ऑन 30th September, इसका मतलब ये हुआ कि 30th September 2024 को वेस्टिंग पीरियड एंड हो रहा है और 30th September 2025 को एक्सरसाइज पीरियड एंड हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज पीरियड है। हमने 8,000 ऑप्शन के लिए दिया था जबकि केवल और केवल 3,000 ऑप्शन ही एक्सरसाइज हुए, 4,000 बीच में ही लैप्स हो गए और 1,000 एक्सरसाइज पीरियड एंड होने के बाद पता चला कि लैप्स हो गए, ठीक है। पास जनरल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी है। ये जो बीच में लैप्स हो जाते हैं 4,000, इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, मेन इसमें पॉइंट इसी का है, बाकी तो वो 2.5 साल है और ये 4.5 साल है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब समझना, वर्किंग नोट भी लास्ट में जाके बनाएंगे मगर आप कैलकुलेशन को ध्यान से समझना एंट्री की, ठीक। ये सबसे भारी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं जर्नल एंट्रीज 2020, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर जो दे रखा है वो जर्नल एंट्री सबसे पहले तो 2020
2021। अच्छा, इसमें अकाउंटिंग ईयर का एंड हो रहा है वो नहीं दे रखा है, तो फिर जनरली हम क्या करते हैं, 31 मार्च को ईयर एंड मानते हैं, तो यहाँ पर 31 मार्च को ही हम ईयर एंड होना मानेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज 2020-21, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पर एक नॉर्मल कैलकुलेशन तो कर ही लेते हैं। 170 रुपीज़ मार्केट प्राइस, 80 रुपीज़ में उनको शेयर परचेज करना है, इसका मतलब एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस पर शेयर कितना हो गया, 90 रुपीज़। ठीक, और कितने शेयर का ऑप्शन दिया, 8000 शेयर का, 8000 ऑप्शन दिया। अब आगे लैप्स कितने होते हैं वो तो बाद में जाके पता चलेगा, अभी तो हमें यही पता है कि हमने 8000 शेयर का ऑप्शन दिया है और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस पर शेयर 90 रुपीज़, इसका मतलब ये हो जाते हैं 7 लाख 20,000। ठीक है, 4.5 साल वेस्टिंग पीरियड है, इसका मतलब है 7,20,000 डिवाइडेड बाय 4.5 कितना होता है, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 4.5 इट इज़ 1,60,000 एक साल का। मगर ये एम्प्लॉय को जो ऑप्शन दिया है उसकी डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2020, तो जो 2021 है ये भी पूरा एक साल का नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो 1 अप्रैल को ग्रांट डेट थी तो पूरा साल हो गया जो पहला साल था 2021, मगर यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 को दिया है, तो ये जो 2021 है इसमें केवल 6 मंथ का ही एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे 31 मार्च को 21 एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, एक साल का 1,60,000 होता है, कैसे, 7,20,000 टोटल डिवाइडेड बाय 4.5, तो 1,60,000 एक साल का होता है, तो 6 महीने का कितना होगा, 80,000, 6 मंथ का होगा 80,000। वर्किंग नोट में तो सब लिख ही लेंगे, बींग एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस amortized in 4.5 year, और दूसरी एंट्री क्या होगी, 31 मार्च 21 P&L account debit to employees compensation expenses account 80,000, करेक्ट, बींग एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस चार्ज टू P&L अकाउंट, ये तो एंट्री हो गई 2021 की। आराम से साथ साथ में लिखते रहो, मैं बड़े ध्यान, बड़े आराम से धीरे धीरे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस साल तो हमने क्या किया, 6 मंथ का एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस डेबिट किया और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हमने अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है, और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस को हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया। अब बारी आती है नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट ईयर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, तो केवल हमें एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस के चार्ज करने हैं पूरे एक साल के, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज 2021-22, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 एम्प्लॉयज
compensation expenses account debit 1,60,000 पूरे साल भर का. टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 1,60,000 बींग एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस एमोटाइज्ड इन 4.5 ईयर. और दूसरी एंट्री 31 मार्च 2022 की P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज स्टॉक एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 1,60,000 बींग एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस चार्ज टू P&L अकाउंट. ठीक है, ये भी इजी था. अब मेन दिक्कत तो है इसके नेक्स्ट ईयर में. क्या दिक्कत आएगी वो भी बताता हूँ, समझना. अब क्या हुआ, हमने ये जो 2 सालों में प्रोविज़न बनाए वो 8,000 स्टॉक ऑप्शन के हिसाब से बनाए. फिर 2022-23 मतलब 1 अक्टूबर 2022 को जाके पता चला कि 4,000 ऑप्शन थे वो लैप्स हो गए. हो सकता है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, हो सकता है एम्प्लॉय उसमें से कुछ छोड़ के चले गए तो वो तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते. तो 4,000 ऑप्शन हो गए लैप्स. अब 4,000 ऑप्शन लैप्स हो गए, इसका मतलब है हमने जब पिछले 2 सालों में प्रोविज़न बनाया था तो वो तो 8,000 स्टॉक ऑप्शन के हिसाब से बनाया था. ठीक है, उसमें से 4,000 लैप्स हो गए. तो जो 4,000 पे हमने पिछले 2 सालों में जो प्रोविज़न बनाया था वो बनाया था 8,000 ऑप्शन पर, मतलब 8,000 शेयर्स पर. उसमें से 4,000 ऑप्शन लैप्स हो गए. तो जो प्रोविज़न हमने 4,000 पे ऑलरेडी बना दिया था, समझना इसको, 8,000 शेयर्स हैं. हम इसमें से 4,000 अलग कर देते हैं और 4,000 अलग कर देते हैं. हमने 8,000 पे प्रोविज़न बना लिया, मतलब एक बार 6 महीने का और एक बार 1 साल का. 2020-21 में 8,000 पे बनाया, 2021-22 में भी 8,000 पे बनाया. एक बार बनाया 6 महीने का, एक बार बनाया साल भर का. अब जाके पता चला कि जो 4,000 ऑप्शन है उसमें से वो लैप्स हो गए, मगर हमने इन 4,000 पे तो प्रोविज़न बना दिया था. हाँ, 4,000 अभी तक चल रहे हैं, तो जो चल रहे हैं उनका प्रोविज़न तो चलता रहेगा, मगर जो लैप्स हो गए हैं अब उनके ऊपर जो ऑलरेडी प्रोविज़न बन चुका है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा. प्रोविजन बन चुका है मतलब हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग यहां पर हमने 8,000 शेयर का बनाया 6 महीने का और यहां पर हमने 8,000 पे बनाया साल भर का. अब इसमें से जो 4,000 जिस पे लैप्स हो चुका है, जो प्रोविजन बन चुका है, उसको वापस हमें खत्म करना पड़ेगा. खत्म करने की एक एंट्री करनी पड़ेगी. आप कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, ठीक है. अब यहां पर एक एंट्री होगी और कितना खत्म होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, समझना. जर्नल एंट्रीज 2022-23 इस साल की, ये जो एंट्री मैं कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना. डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स और डेट. कब लैप्स हुआ? 4,000 ऑप्शन लैप्स हो गए 1 अक्टूबर 2022 को. तो इस 4,000 पर जो प्रोविज़न हम ऑलरेडी बना चुके थे उसको ख़त्म करना पड़ेगा. 1 अक्टूबर 2022 एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. एट थाउजेंड पे हमने प्रोविजन बनाया था उस 2 सालों में, है ना. देखो ये 80,000 बनाया. अब आप ध्यान से समझना कैलकुलेशन को, वैसे वर्किंग नोट में तो मैं बताऊंगा मगर फिर भी एक बार समझना.
2020-21 और दो, अभी आपको ये लिखना नहीं है ना, समझ समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2020-21 और 2021-22 हमने इस साल तो प्रोविज़न बनाया 80,000 का, और इस साल हमने प्रोविज़न बनाया 1,60,000 का, 8,000 शेयर के हिसाब से हमने प्रोविज़न बनाया था, ठीक। अब 4,000 का ऑप्शन लैप्स ही हो गया, तो 4,000 पे जो प्रोविज़न बन चुका है उसको हमें राइट मतलब ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म कैसे करते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमने जो बनाया था उस 4,000 के ऊपर उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा प्रोविज़न अब उसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो 80,000 किस पे बनाया था, 80,000 हमने बनाया था 8,000 पे, उसमें से लैप्स कितना हो गया 4,000, तो इस साल में 2020-21 में तो 40,000 इस साल के, और ये बनाया था 160, ये भी हमने 8,000 के हिसाब से बनाया था मल्टीप्लाई बाय 4,000, 80,000 इस साल में से, मतलब टोटल 1,20,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में से 1,20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बाकी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में पड़े रहेंगे। वो जो अभी लैप्स नहीं हुए हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगे। कैसे, देखो हमने टोटल एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितना क्रिएट किया अभी तक, 80,000 इस साल में और 160 इस साल में, टोटल हो गया 2,40,000 हमने क्रिएट किया। 2,40,000 में से हमने 1,20,000 को हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब 1,20,000 का बचा हुआ वो कौन सा है, वो जो 4,000 ऑप्शन जो अभी तक लैप्स नहीं हुए, जो लैप्स हो गए उसका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हमने जितना भी बनाया था उसको हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वो ऑप्शन लैप्स हो चुके हैं 4,000 शेयर के, ठीक है। अब 31 मार्च आ गया, 31 मार्च 2023 ये ईयर एंड हुआ, तो इस ईयर के एंड में हम फिर से वो प्रोविज़न बनाएंगे उन 4,000 पे। वो 4,000 वाला जो लैप्स हो गया वो तो भूल जाओ आप, अब 8,000 का हमने टोटल ऑप्शन दिया था, 4,000 का लैप्स हुआ तो 4,000 पे जितना भी प्रोविज़न बना था वो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर दिया। अब उस 4,000 जो लैप्स हुआ उसको तो भूल ही जाओ, अब पीछे कितने बचे 4,000, अब 4,000 पे प्रोविज़न बनाओ, ठीक है। अब अगर 4,000 पे प्रोविज़न बनाना होता कितना होता, 90 रुपीज़ एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस है मल्टीप्लाई बाय 4,000, अब 4,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, इक्वल्स टू 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4.5 साल, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4.5, हर साल के 80,000, हर साल के कितने होते हैं 80,000, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस के 80,000 डेबिट करेंगे, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 80,000 टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 80,000 बींग एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस amortized on 4,000 shares for 4.5 years। उसका नरेशन लिखना था पहली वाली एंट्री का, being provision on 4,000 options ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यहाँ पर लिख देंगे बींग प्रोविजन ऑन 4,000 ऑप्शंस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। इसका वर्किंग नोट बना के हम आराम से इसको कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है ना। वैसे तो आप समझ गए होंगे मगर फिर भी, मतलब हमने 4,000 ऑप्शन जो बीच में ही लैप्स हो गए हमने उस पर अभी तक जितना प्रोविजन बनाया था उसको हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि अब उस प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है 4,000 पे, पूरे पे नहीं, 8,000 में से 4,000 के ऑप्शन बीच में ही लैप्स हो गए, तो उन 4,000 ऑप्शन पे जितना भी प्रोविज़न बना रखा था वो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। और अब फ्यूचर में जो प्रोविज़न बनाएंगे वो 4,000 के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि 4,000 तो लैप्स हो गए, रिमेनिंग जो 4,000 बचे अब उसके हिसाब से हमने प्रोविज़न बनाया 80,000 एक साल का, ठीक है। और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट डेबिट टू
एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। जो ऑप्शन लैप्स हो गए हैं और हमने उनका प्रोविजन बना दिया था, उसको आपको जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बीइंग एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये वो जो 4000 पीछे अभी तक ऑप्शन है, ये दो लास्ट की दो एंट्री तो उसके लिए, और जो फर्स्ट एंट्री है वो जो 4000 के ऑप्शन लैप्स हो चुके हैं, तो उस पर जितना प्रोविजन हमने पिछले 2 सालों में बनाया था 4000 पे, उसको हमने जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया। इसका वर्किंग नोट इस 120,000 का हम वर्किंग नोट भी बनाएंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा हो गया, फिर से लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, और यहाँ लिखेंगे 2023-24 डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। ये सबसे ज्यादा, मतलब कह सकते हैं सबसे टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है इस ऑप का, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पर इस साल में अभी तक तो कुछ एंड हुआ नहीं है, 2020-21 का कर दिया, 2021-22 का हो गया, 2022-23 का हो गया, 2023-24 की अभी तक हमें एंट्री करनी है, 2024-25 की भी करनी है, उसके बाद 2025-26 में जाके उन्होंने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो अभी तो बहुत आगे तक चलना है। ये 6 महीने का हो गया, फिर ये 1 साल और हो गया, 1.5 साल, फिर ये 2.5 साल हो गए, और अब ये हो जाएंगे अभी तक तो 3.5 साल। तो यहाँ पर करेंगे 31 मार्च 2024 एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। बड़ा क्वेश्चन है मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, टू एम्प्लॉइज, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने के एग्जाम में बहुत कम चांस रहते हैं कि इतना भारी क्वेश्चन हो, इतना बड़ा क्वेश्चन आए, ठीक है। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और ये क्या होगा 80,000। अब हमें केवल 4,000 शेयर के हिसाब से बनाना है, 4,000 शेयर के हिसाब से हमने वापस से रिकैलकुलेट किया कि 4,000 जो ऑप्शन अभी तक हैं जो लैप्स हो गए उसको तो भूल जाओ, 4,000 90 रुपीज़ पर शेयर होता है, 3,60,000, 3,60,000 में हमने 4.5 साल का डिवाइड किया, पर ईयर 80,000, तो हम पर ईयर 80,000 अब चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया बिंक एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस एमोटाइज्ड इन 4.5 ईयर्स, और एक एंट्री हो जाएगी 31 मार्च 2024 को P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 80,000 बींग एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। करेक्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट ईयर में जर्नल एंट्रीज 2024-25। इस साल में भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ है, ऑप्शन तो एक्सरसाइज हुआ है 2025-26 में, मगर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्स में वेस्टिंग पीरियड तो यहाँ जाके एंड हो रहा है ना, वेस्टिंग पीरियड अब खत्म हो रहा है 30 सितंबर 2024 को, 30 सितंबर 2024 को वेस्टिंग पीरियड एंड हो रहा है, तो हमें 6 मंथ का जो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस है वो इस साल में चार्ज करना है, तो एंट्री करेंगे 30 सितंबर 2024 एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 40,000।
4,000 शेयर पर 6 महीने का एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, वो जो टोटल 8,000 थे उसमें से 4,000 तो बीच में ही लैप्स हो गए, तो उनको तो अब भूल ही जाना है। अब हम 4,000 के हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। बींग एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस एमोर्टाइज्ड इन 4.5 ईयर, और वैसे एंट्री 30 सितंबर को नहीं करनी है, 31 मार्च को ही करनी है, ठीक है। ये एंट्री 31 मार्च को, 31 मार्च 2024, 30 सितंबर तक का है मगर एंट्री तो 31 मार्च को ही होनी है। 31 मार्च 2024 को P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 40,000। बींग एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस चार्ज टू P&L अकाउंट, आप लोग नरेशन लिख देना। ये हो गया 2024-25 का, ठीक है। 8,000 से स्टार्ट हुए थे हम, बीच में 4,000 का तुमने मामले ख़त्म कर दिया, अब हम 4,000 से चल रहे हैं, ठीक है। अब 2025-26 में जाके एम्प्लॉय ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया, मगर उन्होंने एक्सरसाइज किया केवल 3,000 ऑप्शन, मतलब 3,000 शेयर का, तो 1,000 का ऑप्शन फिर से लैप्स हो गया, ठीक है। अब क्या एंट्री होगी, यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स। हम 4,000 पे पूरा प्रोविजन बना चुके हैं, ठीक है। 4,000 पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग पूरा का पूरा हम बना चुके हैं, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो ऑप्शन एक्सरसाइज किया 30 सितंबर को, उसकी एंट्री करनी है। 3,000 शेयर का ही ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज किया, तो यहाँ पर एंट्री करते हैं 30 सितंबर 2025, बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 मल्टीप्लाई बाय कितने में लिया था, 50 रुपीज़, 80 रुपीज़, 80 रुपीज़, और मार्केट प्राइस 170 थी। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 80, 2,40,000। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000 मल्टीप्लाई बाय 90, 2,70,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 30,000। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ब्रैकेट में 3,000 मल्टीप्लाई बाय 160, 4,80,000। बींग एम्प्लॉयज एक्सरसाइज्ड देयर स्टॉक ऑप्शन फॉर 3,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 80 ईच। अब हम टोटल स्टार्ट हुए थे 8,000 से, बीच में 4,000 लैप्स हो गए, तो हमने उन 4,000 का तो एडजस्टमेंट बीच में कर दिया। फिर हमारे पास 4,000 बचे, तो हमने 4,000 का प्रोविजन बनाना स्टार्ट किया, तो हमने लास्ट ईयर तक पूरा प्रोविजन बना दिया 4,000 का। अब 3,000 का ही उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो 1,000 का प्रोविजन अभी तक बना हुआ है, तो वो 1,000 का प्रोविजन जो अभी तक बना हुआ है उसे भी हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे एक और एंट्री लास्ट 31 मार्च को, 31 मार्च 2026, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 1,000 पे कितना प्रोविजन बन चुका है, टोटल 90 रुपीज़ का, मतलब 90,000 का प्रोविजन जो बन चुका था वो हमें जनरल लेजर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा।
जनरल रिजर्व अकाउंट 90,000। अगर हम प्रोविज़न बना चुके हैं और वो ऑप्शन लैप्स हो जाता है तो उसका जितना भी प्रोविज़न हमने बनाया था उसे हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मेन बात ये, ठीक है। तो इसीलिए जो बीच में 4,000 लैप्स हो गए थे तो 4,000 पे जितना भी प्रोविज़न हमने बनाया था, पूरा नहीं बनाया था क्योंकि वो 6 महीने का एक बार बनाया, फिर 1 साल का एक बार बनाया और उसके बाद ही पता चला कि 4,000 ऑप्शन लैप्स हो गए। तो हमने जो 1.5 साल का उनके ऊपर प्रोविज़न बनाया था उतना ही हमने रिवर्स किया, वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया और बाकी के 4,000 पे हम बनाते गए, पूरा बना दिया। फिर जब बात आई एक्सरसाइज की तब पता चला कि 1,000 और लैप्स हो गए तो 1,000 पे जो प्रोविज़न पूरा बन चुका था वो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया और 3,000 का जो प्रोविज़न था वो हमने जब ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो उसे हमें डेबिट कर दिया। तो 4,000 पे जो टोटल स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हमने क्रिएट कर लिया था उसमें से 3,000 तो यहाँ डेबिट हो गया और 1,000 का जो लैप्स हो गया उसको हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। बींग एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन अमाउंट ऑन 1,000 lapsed option transfer to general reserve था, अच्छा क्वेश्चन। मगर हाँ ये बात अलग है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, रहते तो हैं तभी करा रहे हैं मगर आने के चांसेस बहुत कम है। आप लोग नोट कर लीजिए फिर हम बनाते हैं इसके वर्किंग नोट। ओके अब हम बनाते हैं इसके वर्किंग नोट। सबसे पहले आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस एमोर्टाइजेशन। समझना ध्यान से, ठीक है। टोटल ऑप्शन में थे 8,000 शेयर्स, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस पर शेयर 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ कैसा है, 170 मार्केट प्राइस, जबकि हम दे रहे हैं केवल 80 रुपीज़ में। तो टोटल एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 8,000 मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज़, 7,20,000। फिर एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस पर एनम 7,20,000 डिवाइडेड बाय 4.5 रुपीज़ 1,60,000। 7,20,000 डिवाइडेड बाय 4.5 1,60,000, ठीक है। अब हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर सेकंड, ईयर 2020, ईयर 2020-21 एम्प्लॉइज एमोर्टाइजेस एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस एमोर्टाइज्ड कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस एमोर्टाइज्ड। मतलब ध्यान से समझना, हम 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुए, 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुए, ठीक है। उस समय हमें ये था कि 8,000 का हम ऑप्शन दे रहे हैं और एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस पर शेयर होता है 90 रुपीज़, तो टोटल होंगे इसके 7,20,000 जो कि हमें 4.5 साल में चार्ज करने हैं।
तो 1,60,000 हमें हर साल चार्ज करने हैं एक साल का, ठीक है। अब 2020-21 में केवल 6 महीने का, 6 महीने का क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को ही हमने ऑप्शन दिया था, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च ये केवल 6 महीने के लिए चार्ज करेंगे। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 80,000 हमने चार्ज भी कर लिए। फिर 2021-22 की बात आ गई, तो हमने 2021-22 में क्या किया, फिर से 1,60,000 पूरे एक साल का चार्ज कर दिया, ठीक है। फिर बात आ गई 2022-23 की, तो यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, एम्प्लॉइज एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 2020-23। यहां लिखेंगे 4,000 ऑप्शन लैप्स्ड ड्यूरिंग 2022-23। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 4,000 ऑप्शंस क्रिएटेड ड्यूरिंग 2020-21 एंड 2021-22 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमने वो जो 4,000 ऑप्शन लैप्स हो गए थे उस पे हमने 2 साल प्रोविजन बनाया था, एक तो 2020-21 में और 2021-22 में। 2020-21 में कितना बनाया था? 2020-21 में हमने 4,000 पे 4,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6/12। 4,000 पे टोटल कितना बनता है? 4,000 × 90 डिवाइडेड बाय 4.5 साल, मतलब 80,000 एक साल का, तो 6 महीने का 40,000 तो हमने बनाया था 2020-21 में, और 2021-22 में हमने उस पर पूरे साल भर का 4,000 × 90 डिवाइडेड बाय 4.5 80,000 का प्रोविजन बनाया था, तो टोटल हमने उस पर 1,20,000 का प्रोविजन बनाया था। आप ऐसे भी समझ सकते हो, हमने 2020-21 में टोटल प्रोविजन कितना बनाया था? 80,000। ये 80,000 8,000 शेयर पे, तो 4,000 शेयर पे कितना? 40,000। 2021-22 पे हमने 160 का प्रोविजन बनाया था, तो ये 8,000 पे, तो 4,000 पे कितना हुआ? 80,000। तो 40,000 और 80,000 के प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब उसको खत्म करना पड़ेगा कैसे? जर्नलिज्म में ट्रांसफर करके। तो ये तो हमने जर्नलिज्म में अमाउंट ट्रांसफर किया, उसका वर्किंग नोट बनाया। अब इस ईयर के एंड में अब जो प्रोविजन बनेगा वो केवल और केवल 4,000 ऑप्शन पे बनेगा, क्योंकि 4,000 का तो ऑप्शन ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। तो यहां पर हम लिखेंगे एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस ऑन 4,000 शेयर्स, तो 2022-23 4,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 4.5, ये बनेगा 80,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में 2023-24 4,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 4.5, ये भी इस साल बनेगा 80,000। और 2024-25 4,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6/12, या 30 सितंबर को ही जाके वेस्टिंग पीरियड एंड हो रहा है, तो ₹40,000। यहाँ पर हम ऊपर वर्किंग नोट में एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन 2022-23, 2023-24 और 2024-25 ये तीनों ही साल लिख देते हैं, ठीक है। ये पूरे वर्किंग नोट आ चुके हैं। 2022-23 में कितना चार्ज किया? 23-24-25। अच्छा, लास्ट में जाके उसका वर्किंग नोट लिखने की जरूरत नहीं, 25-26 में तो वो जो 1,000 ऑप्शन लैप्स हो गए थे वो हमने उसका जो भी प्रोविजन बनाया था वो जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो फटाफट से ये वर्किंग नोट लिख लो, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 से।
फिर वर्किंग नोट नंबर सेकंड। फिर वर्किंग नोट नंबर थर्ड। ओके तो आज हमारा ये छोटा सा चैप्टर एंड हो गया। उसमें सबसे लास्ट जो क्वेश्चन था 6, वो थोड़ा सा मेंटल हैरेस करने वाला था ज़रूर, क्योंकि उसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, वो बीच में लैप्स हो जाता है वेस्टिंग पीरियड के अंदर ही, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला था। बाकी जो पहले 4 क्वेश्चन थे वो तो सुपर हिट क्वेश्चन थे, क्योंकि कुछ करने ही नहीं था कुछ खास। 5th क्वेश्चन भी ठीक था, ठीक है ना, मगर जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो वाकई में सबसे ज़्यादा अच्छा और सुपर टाइप का क्वेश्चन था। ठीक, चलिए ये चैप्टर तो हमारा एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।